तो हजरत अमीर माविया हुजूर के साले हुए। आजकल सालों से कितनी मोहब्बत होती है बोलो, अपन भाई से बोलचाल न रही लेकिन साले से बड़ी दोस्ती रही। भाई से खानदान नहीं और साला आ जाए तो का पावे का साले खवाए दे। बोलो भाई कि सब कोई कुंवारे बैठे हो यार, आजकल सालों से बड़ा प्यार है। ऐसे ही साली बहन की शादी हुई तो भईवा दाहे जल्दी न जी कहीं बड़कवा नहीं जाते हम कहे जी, मंझिल का नहीं पैसा देते हम कहे दी। और सालिक शादी हुई तो अकेले जिम्मेदारी उठाई ली, लागत है बप्पा वही हुई। बहन से प्यार नहीं साली से प्यार है। और कुछ तो अत्ता प्यार करते हैं कि क्या बताए। साली यही खिदमत करे खातिर अपने बहन के, रो धीरे धीरे बहन वाइवा ऐसा पटिया ही साली कही है कि मेहरुआ ठोकर मार दी और साली की तरफ घूम जाएगा। हजरत जकरिया अलैहि सलाम का जमाना था, एक बादशाह था जो अपने साली पर आशिक हो गया और साली से भी निकाह करना चाहा। हजरत जकरिया ने कहा हराम है हराम है हराम है, दो सगी बहन एक निकाह में जमा नहीं हो सकती। बादशाह ने कहा जकरिया मसला बदलो वरना हम कत्ल कर देंगे। हजरत जकरिया कहते हैं जान तो जा सकती है लेकिन खुदा के फरमान में कोई बदलाव नहीं हो सकता। हराम है हराम है, दो सगी बहन एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती। तो बादशाह ने हजरत जकरिया के कत्ल का हुक्म दे दिया। जब कत्ल करने वाले हजरत जकरिया का पीछा किए तो हजरत जकरिया ने जान बचाने के लिए वतन छोड़ दिया, लेकिन कत्ल करने वाले साथ नहीं छोड़े। हजरत जकरिया भगे तो रास्ते में एक पेड़ मिला खोखला, तो उसी में हजरत जकरिया जाके छुपे। अल्लाह के हुक्म से वो खोखला दरख्त मिल गया, हजरत जकरिया अंदर हो गए। जो पीछे से दौरत रहा हुआ गए तो भौचक्का के हाँ यहाँ तक देखा था, ये का हुई गो किसी तरह नजर नहीं आ रहा, कहाँ चला गया। मजबूर हो के वापस चले तो शैतान पहुंचा इंसान की शक्ल में, कहाँ जा रहे, क्या जकरिया को मारने आए थे, यहाँ तक दिखाई पड़ा उसके बाद लापता हो गया। शैतान ने कहा मैं बताता हूँ, लेके गया दरख्त के पास। तो हजरत जकरिया अंदर छुपे थे तो उनके चादर का एक कोना थोड़ा सा बाहर ही रह गया। शैतान ने कहा देखो इसी के अंदर है, चादर का कोना है अंदर है। लोगों ने कहा हाँ यार बात तो सही है, तो कैसे मारा जाए। जब शैतान ने कहा था आरा ला, आरा लाया गया। शैतान ने बताया इसको ऐसे ऐसे चलाओ, चलाया गया। जब आरा चलते चलते हजरत जकरिया के सर पर पहुंचा तो अल्लाह ताला ने फरमाया जकरिया उफ न करना वरना सब्र करने वालों के नाम से तुम्हारा नाम निकल जाएगा। हजरत जकरिया ने उफ तक न किया, आरा चला, हजरत जकरिया बीच से कट गए, दो टुकड़े हो गए बदन के, लेकिन हजरत जकरिया ने अल्लाह के फरमान में कोई बदलाव नहीं होने दिया। हराम है तो हराम है, हलाल है तो हलाल है। आज हम हालात से मुतासिर हो के हराम को हलाल कह देते, हलाल को हराम कह देते, ये अल्लाह वालों की शान नहीं। बहरहाल बात दूर चली गई। हजरत अमीर माविया हुजूर के साले हैं और साले से आदमी को प्यार होता है। हुजूर को भी हजरत अमीर माविया से मोहब्बत थी, इसीलिए हुजूर दुआ मांगा करते थे अल्लाहुम्मा जालहु हादिया महदिया, या अल्लाह अमीर माविया को हिदायत वाला बना दे और हिदायत देने वाला बना दे। मेरे नबी ने दुआ मांगी। दूसरी दुआ में सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमिल मुआविया हिसाब वल किताब, अल्लाह मुआविया को हिसाब का इल्म दे दे और कुरान का इल्म अता फरमा दे। मेरे नबी ने दुआएं मांगी है।
और जिसके लिए नबी ने दुआ मांगी, नबी की कोई दुआ रद्द नहीं हुई। आला हजरत फरमाते हैं कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकले दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बढ़े नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इतना प्यार था हजरत मेरे माविया से मेरे पैगंबर को। अब आज हम उनकी उम्मती होकर के अगर उनसे दूरी इख्तियार करें तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा अहले बैत में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ रबीउल अव्वल 11 हिजरी में, और उसके बाद 6 महीना तक फातिमा जिंदा रही। लेकिन बाप के विसाल के बाद 6 महीना फातिमा दुनिया में रही, लेकिन इतना गम था, इतना गम रहा फातिमा को, 6 महीने में कभी वो मुस्कुराई नहीं, हंसी नहीं आई जबान पे, इतने बाप के गम में रहती थी। कहा करती थी, ए रोशन दिन, जो मुसीबत मेरे ऊपर पड़ी, अगर ये मुसीबत तेरे ऊपर पड़ती तो ए रोशन दिन तू तारीकी से बदल जाता। बहुत गम था। अच्छे महीने के बाद रमजान की 3 तारीख थी तो हजरत फातिमा जहरा ने अपने शौहर अली को बुलाया। अब बुलाने के बाद फरमाया, अय अली, आज रात मेरी रुखसती की रात, आज रात मैं इंतकाल कर जाऊंगी, लिहाजा कुछ वसीयतें सुन लो। पहली वसीयत तो यह है कि मेरे मरने के बाद मेरे ऊपर रोना चिल्लाना नहीं, सीना न पीटना। फातिमा ने मना फरमाया, आज हम लोग रोते हैं लेकिन रोने से कोई भला होने वाला नहीं, रोते हैं कुछ तो ऐसा रोते हैं लगत है कि इन्हों साथे चल दे, और ज्यादातर पतोहिया जो जिंदगी में सास ससुर का खाना न पूछी, ससुरा अपने शौहर का पगला की अलग कह ली, बहन से बोले नदी, बहनन से रिश्ता खत्म करा दी, वो पतोहिया जब सास मरत है तो असुरोवत है, अररा गिरी धूं से, फिर लोग उठाइए फिर धड़ाम से गिरी, लागत है सबसे ज्यादा गम यही कहीं है भवा है। अल्लाह खूब जानता है रोने से क्या फायदा। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने से कुछ नहीं। फातिमा ने मना फरमाया, अल्लाह के शेर मेरे मरने पे रोना नहीं। दूसरी वसीयत की कि मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को कभी मारना नहीं, और तीसरी वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से निकाह कर लेना, जिससे लड़का पैदा होगा उसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे हुसैन का दाहिना बाजू बनेगा। ये फातिमा ने वसीयत किया। और चौथी वसीयत किया कि जब मेरा जनाजा लेके चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। हजरत अली ने कहा, अब तक किसी के जनाजे पे चादर नहीं पड़ी, आपके जनाजे पे चादर। तो फातिमा कहते, मैं नबी की बेटी हूँ, मेरे ऊपर किसी अजनबी की निगाह जिंदगी में नहीं पड़ी, तो मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरे जनाजे पर किसी की निगाह पड़े, इसलिए मेरे जनाजे पे चादर डाल दे। और पांचवी वसीयत किया कि अल्लाह के शेर
जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखी है, मैं बहुत मैंने संभाल के रखा है, वो पर्ची मेरे कब्र में रख देना, लेकिन उसको पढ़ना नहीं। कहा क्यों? फातिमा कहती हैं उसमें रास की बात है। हजरत अली कहते फातिमा मैं तुम्हारी जिंदगी का साथी हूँ, मुझसे रास छुपाओगी? क्या लिखा उसमें फातिमा बता दो। तब फातिमा कहते हैं अली जब मेरा निकाह आपसे तय हुआ तो मेरे अब्बा ने मुझे बुलाया था, कहा था फातिमा तुम्हारा निकाह अली से कर दूं और महर में 200 मिसकाल चांदी रख दूं। तो मैंने कहा था अब्बा अली से मेरा निकाह कर दो ये तो पसंद है, लेकिन 200 मिसकाल चांदी महर में, ये महर हमें पसंद नहीं। वे कह के चली आई। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाकर मेरे महबूब से कह दो कि अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दें और फातिमा के महर में अल्लाह ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रख दी, कह दो निकाह कर लें। हजरत अली ने जब बताया, हजरत जिब्रील ने जब बताया तो हुजूर ने फातिमा को बुलाया, कहा फातिमा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे महर में जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रख दी। फातिमा कहते अब्बू ये महर भी मुझे पसंद नहीं है, जरा इको और बंद कर दो बेटा, अगर इको कुछ खुला हो तो बंद कर दो, ये महर भी मुझे पसंद नहीं है। सरकार ने फरमाया बेटी फातिमा तब क्या चाहती हूँ महर में? फातिमा कहते अब्बू जान जिस चीज के लिए आप रातों रात रोते रहते हैं, पहाड़ियों में जाके सर सजदे में रखकर रोया करते हैं, वही चीज हमें महर में चाहिए। हुजूर किस चीज के लिए रोते थे? 100 बीघा जमीन के लिए रोते थे, प्रधानी खातिर रोवत रहे, काहे खातिर रोते थे? हमारी तुम्हारी मोहब्बत में रोया करते थे। कहा करते थे रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। पूरी जिंदगी रोए सरकार हमारी तुम्हारे लिए। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, पैदा हुए तो भी उम्मत की याद में। रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। उम्मत के लिए रोते थे। फातिमा कहते हैं अब्बू मेरे महर में उम्मते मोहम्मदिया की बख्शिश चाहिए, मुझे 200 मिसकाल चांदी न चाहिए, जन्नत न चाहिए, मुझे तो आपकी उम्मत की बख्शिश चाहिए। ये कह के चली आई। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील एक पर्ची लेके हुजूर की बारगाह में आए और उस पर्ची में अल्लाह ने लिखा था जाल तो शफात उम्मती मोहम्मदिन सदाका फातिमा, कि मैंने फातिमा के महर में उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश मैंने कर दिया। अल्लाह ने पर्ची में लिख के दिया था तो जिब्रील ने हुजूर को दिया, हुजूर ने फातिमा को दिया। फातिमा कहते हैं अय अली वो पर्ची मैंने संभाल के रखी है, फला जगह रखी है, कब्र में जब रखना मुझे तो पर्ची रख देना, ताकि कल कयामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती अगर जहन्नम में गया तो वही पर्चे लेकर उस अल्लाह की बारगाह में जाऊंगी, कहूँगे अल्लाह तूने मेरे महर में मेरे अब्बा की उम्मत की बख्शिश रखी है, फिर ये उम्मती कैसे जहन्नम में जा रहा है? ये फातिमा की मोहब्बत हमसे आपसे है। ऐ औरंगा नौरंगा गांव के रहने वाले अहले बैत की मोहब्बत में आप लोगों ने जलसा कराया तो ये न समझो हमने अहले बैत पर एहसान किया, उनके एहसान का बदला हम और आप कभी चुका नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात सोचो कि फातिमा जहरा ने एक छोटी सी पर्ची पूरी जिंदगी संभाल के रखा है, शादी हुई, शादी होने के बाद 6 बच्चों की माँ बनी,
तीन लड़के पैदा हुए फातिमा के यहाँ, हसन, हुसैन, मोहसिन। तीन लड़कियाँ पैदा हुई, ज़ैनब, उम्मे कुलसुम, रुकैया। छः बच्चों की माँ बनी, कितना ज़माना लगा होगा। लेकिन फातिमा वो पर्ची संभाल के रखी थी। आवाज अगर बैनामा कराए के लाओ, बैनामा कागज मेहरुवक दे दो और 2 महीने के बाद मांगो कि कोगजवा लाओ, कहाँ रखा है। तो यहीं कहीं डेहरी अब दार दिया रहा है, मिला नहीं। डेहरी अब पड़ा रहा है, रख दिया रहा है, मालूम नहीं कहाँ होगा। चूहिया कहीं कि चूहुआ कहीं। ऐ मेरी माँ बहनों, कागजात बहुत अहम होते हैं और इस दौर में तो बहुत ज़रूरी है। अपने अपने कागजात की हिफाजत रुपया से भी ज़्यादा करो। रुपया कमा कर मिल सकता है, कागज़ कमाने से नहीं मिल पाएगा। खातून जन्नत ने कागज़ को संभाल के रखा था। बहरहाल वसीयत पूरी हो गई। हजरत फातिमा ज़हरा की वसीयत पूरी हुई, उधर मलकुल मौत आ गए रूह निकालने। हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मलकुल मौत फातिमा के दरवाज़े पर आए, वक़र अल बाबा, और दरवाज़ा खटखटाया। फातिमा पूछती हैं कौन। कहा मैं मलकुल मौत हूँ, रूह निकालने आया हूँ। फातिमा कहते हैं कि मलकुल मौत, ज़िंदगी गुजर गई, मेरे चेहरे को किसी इंसान ने नहीं देखा, किसी अजनबी आदमी ने नहीं देखा, लिहाजा आखिरी वक्त मैं नहीं चाहती कि मेरा चेहरा मलकुल मौत देखे, लिहाजा वापस जाओ, दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। हदीस में मलकुल मौत वापस चले गए। फ़क़बद अल्लाह रूहहा, तो खुद अल्लाह ताला ने फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। ये फातिमा का मकाम है कि मलकुल मौत आए तो बग़ैर इजाज़त के नहीं आए। एक दफ़ा रमज़ान का महीना पूरा हुआ, ईद का चाँद निकल आया, मदीने में बड़ी चहल पहल की सुबह ईद है। हसन हुसैन आए, कहने लगे अम्मी ईद का चाँद निकल आया, कल ईद है, मदीने में सबके कपड़े बने हैं, अम्मी हम लोगों के कपड़े नहीं बने। फातिमा कहती हैं सुबह कपड़ा आएगा। ये कह करके बच्चों को तसल्ली दे दिया। रात हुई, सारी दुनिया सो गई, तो फातिमा ज़हरा ने वज़ू बनाया और वज़ू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के दुआ मांगी, या अल्लाह तो खूब जानता है कि कल ईद है, मदीने में सबके जोड़े बने हैं, मेरे बेटे हसन हुसैन के जोड़े नहीं हैं, या अल्लाह तेरे ज़ात पर उम्मीद करके मैंने वादा कर दिया है, परवरदिगार मेरे बच्चों के जोड़े का इंतज़ाम कर दे। फातिमा ने रात में दुआ मांगी। सुबह हुई तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, फरिश्तों के सरदार, 2 जोड़ा जन्नती का जन्नती जोड़ा 2 लेकर फातिमा के दरवाज़े पर आए और दरवाज़ा खटखटाया। फातिमा ने पूछा कौन। कहा अहले बैत का दर्जी आया हूँ, हसन हुसैन का जोड़ा लेके आया हूँ। अल्लाह ताला ने जन्नती जोड़ा हसन हुसैन के लिए भेजा है। जिब्रील भी आए तो दरवाज़ा ही पे खड़े हैं, बगैर इजाज़त के जिब्रील भी नहीं गए। मलकुल मौत तो अब से चले गए और जिब्रील को भी बग़ैर इजाज़त के अंदर आने की इजाज़त नहीं मिली। क्या दर्जा था अहले बैत का। आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रजा फरमाते हैं कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। ये फातिमा का मकाम है, है? कि मलकुल मौत आए तो पूछत हैं। अच्छा बताओ हमरे तुमरे यहाँ मलकुल मौत कभू पूछत हैं, है? देखा जाते बप्पा बीमार हैं, लेटे हैं खटिया, अब लड़का चारों तरफ से बैठे हैं,
अब्बा ये बात अब्बा वो बात अत्ते मैं यहाँ चिल्लाने लगा, कहीं हाय बप्पा गए सट से गायब, किधर से मलकुल मौत आए, किधर रूह लेके चले गए किसी को पता नहीं है। अरे कुछ मजहब यानी हमारी ही लेन के रहने वाले वहाँ भी देवबंदी कहते हैं कि हम भी बशर वो भी बशर है। बताओ रसूलुल्लाह की बेटी का मुकाबला नहीं कर सकते है। इनके एक मौलाना कहे हैं तो मलकुल मौत पैखाने में धके दबाए दिन्ना, पैखाने में इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के मरातिब अलग अलग लिखे हैं, ये तो फातिमा जहरा की बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली नबी थे, मलकुल मौत इनकी रूह निकालने के लिए गए, सलाम किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पूछा कैसे आना हुआ, तो कहा अल्लाह ने भेजा है रूह निकालने के लिए, आपकी रूह निकालने आया हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मारा, कहा अभी आ गया, अभी दीन का काम बहुत मेरे जिम्मे बाकी है, अभी रूह निकालने आ गया। एक तमाचा मारा, इतनी जोर से मारा मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को कि उसकी आंखें बाहर आ गईं। मलकुल मौत वापस गए खुदा की बारगाह में, कहा या अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया, उसने तो तमाचा मारा मेरी आंखें बाहर आ गईं। कहता है अभी दीन का काम बाकी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मूसा भी मरना नहीं चाहते तो जाओ मूसा से कह दो कि बैल के ऊपर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथों के नीचे आएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। आए मलकुल मौत, पहुँचे जैसे मारे गए हैं पहले डरात डरात पहुँचे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कहा फिर आ गया तू, कहा नहीं अल्लाह ताला ने भेजा है कि मूसा पैगंबर से कह दो कि बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल पड़ जाएंगे हर बाल के बदले में उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। बैल तो जनते हुए हो आप लोग, बोलो बैल यक्के बैल दुई मेर हो थे जाने रहे, एक बैल तो सड़वे जो उन टहरत है ही हुए और एक बैल हमरे तुमरे इंसानों में ही बैल होते होते कि नहीं होते। हमारे वहाँ पीरबितनी दरगाह में एक मदरसा है, मौलाना अली हसन फारूकी अलैहिर्रहमा चला रहे थे तो पान खाए के उनके आदत रहे, और पान खाए वाले बड़े लोग अपने पास उगलदान रखा था, उगलदान जाना तो हैं ऊपर चौड़ा नीचे तंग बना रहता है थूकने के लिए, तो थूका जाता है जिसमें उसका नाम है उगलदान। तो हजरत के कमरे में था उगलदान, तो पान खाए बाहर टहल रहे थे, कुर्सी पड़ी थी बैठ गए, तो एक लड़का से कहीं मदरसे के लड़का से कहे वो कमरा में उगलदान रखा है उठा लाओ। वो देहाती लड़का गवा हुआ ढूंढ ढाँढ के चला हुआ, वो जनते ही नहीं रहे उगलदान के का कहा था। गवा कहे हजरत हुआ उगलदान नहीं है, तो हजरत के उसी में रखा है जला, फिर दोबारा घूम टहर के गवा कहे हजरत तुम्हारा आई है उगलदान। तो हजरत उठे और इशारा कहीं कहीं देख वो जो रखा है वही हो उगलदान, तो बताएं तो गवा। जब वो कहा उठाइस तो देखे सुमा थुक्का, तो कहा हाँ हजरत इमा कोनो सार थुक मारिस है, हजरत इमा कोनो सार थुक्किस है, और हजरत थुक्कत रहा है। तब हजरत कहीं बैल कहीं का उका उठाए लाए, तो बैल इंसानों में भी होते हैं, करक चाहे कहा कुछ करी है कुछ, लेकिन वो बैल था दुनियावी। मूसा अलैहिस्सलाम को जब बताया गया कि बैल के पीठ पर हाथ रख दो जितने बाल पड़ेंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी, अगर हमका तुमका ये मौका मिल जाए तो बैल के पीठ पर का हाथ का पूरे पिठियवा का हाथ फेरा जी कि कितने बाल पड़ जाए कि मौत ना आवे। लेकिन मूसा पैगम्बर से जब कहा गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा है बताओ उसके बाद क्या होगा, कहा जब उतने साल पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं आऊँगा रूह निकालने। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते जब तुझे आना ही आना है, मरना ही मरना है, तो जैसे कल वैसे आज,
रूह निकाल ले। तो मलकुल मौत ने मूसा अलैहिस्सलाम की रूह निकाला। ऐ लोगों, पता चला कि अल्लाह के बंदे सब एक दर्जे के नहीं हैं, अल्लाह के बंदे मुख्तलिफ दर्जे के हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा विसाल कर गईं रमज़ान की 3 तारीख को। 6 महीना के बाद उनका इंतकाल हो गया। मरना सबको है, इसलिए मरने की तैयारी सबको करनी चाहिए। बहरहाल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी की बहुत चहेती बेटी थी। इतनी चहेती बेटी कि एक मर्तबा हज़रत फ़ातिमा के यहाँ फाका हुआ। गरीब थे हज़रत अली शेरे खुदा। 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला। 4th दिन थोड़ा सा जो लाए फातिमा ज़हरा को दिया तो चक्की में पीसा, रोटी बनाई। 1 रोटी सिर्फ बन के तैयार हुई, बहुत थोड़ा जो था। और खाने वाले कई लोग, हसन, हुसैन, मोहसिन, ज़ैनब, रुकैया, उम्मी कुलसूम और उनकी एक लड़की थी बांदी फिज़ा, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, लगभग 9 लोग खाने वाले, रोटी 1। हज़रत फ़ातिमा बैठी थी कि इतने में अपने अब्बू की याद आई कि हम लोग खाने जा रहे हैं, मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने उसी में से खाने से पहले एक नवाला लिया, और एक नवाला यानी एक लुकमा लिया और गई अपने अब्बा के पास। हुजूर ने देखा, कहा फ़ातिमा रोटी का नवाला लाई हो? कहा अब्बू 3 दिन के बाद आज 1 रोटी मैसर हुई थी, हम लोग खाने जा रहे थे कि आपकी याद आई तो हमने सोचा अपने अब्बू को भी खिला दें। तो सरकार ने वो लुकमा लिया, फ़ातिमा के हाथ से अपने मुंह में रखा और फरमाया, फ़ातिमा ये आज 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुकमा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में गया है। 1 हफ्ता के बाद ये अहले बैत भूख और प्यास बर्दाश्त करते थे, जबकि हुजूर को अल्लाह ने वो दर्जा दिया था कि कहा करते थे लो शीतो लसारत मैया जबालुज़हबी, कि अगर मैं चाह लूँ तो सोने के पहाड़ मेरे पीछे पीछे चला करें। लेकिन सब्र अहले बैत ने दुनिया में किया है। क्यों? हुजूर फरमाया करते थे इक़रउ बाबल जन्ना, ऐ लोगों जन्नत का दरवाज़ा खटखटाओ। काकालू कैफ नक़रउ बाबल जन्ना, सहाबा ने कहा था अल्लाह के रसूल हम जन्नत का दरवाज़ा कैसे खटखटाएं? जन्नत तो अर्श आदम के ऊपर है, हम दुनिया में हैं, कैसे खटखटाएं? तो सरकार ने फरमाया था मिनल जुई वला तुशे, भूख और प्यास को बर्दाश्त करके तुम जन्नत का दरवाज़ा खटखटाओ। जितना भूख दुनिया में बर्दाश्त करोगे, प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करोगे, उतना ही तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। बहरहाल फातिमा ज़हरा 3 दिन के बाद 1 रोटी पाए तो बगैर बाप को खिलाए खाना गवारा न किया। अब आज लड़का शादी हो जाते, बीवी आए गए तो बीवी को लेके अलग हो जाता, बाप क्या खा रहे हैं कोई मतलब नहीं, माँ क्या खाती कोई मतलब नहीं, अलग हो गए, अच्छा सच्चा कमा रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं। ऐ लोगों, लड़कियों को जो माँ बाप से मोहब्बत होती है, लड़कों को नहीं। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो इन्ना मिन अज़्वाजकुम औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे लड़के तुम्हारे दुश्मन हैं। बीवी दुश्मन हो सकती है, औलाद दुश्मन हो सकती है, लेकिन लड़कियां दुश्मन नहीं। इसीलिए उधर फरमाते हैं कि बाहर से कोई चीज़ खाने पीने की लेके आओ तो सबसे पहले बच्ची के हाथ में रखो। लेकिन हम लोग ले गए थे तो ना बिटिया, ना लड़का, ना बप्पा, ना महतारी, सबसे लाए के पहले गुड़वा कम्मिक दिया जाता। और जब उनके हाथ में दे, अगर बिटिया कहूँ आएगे कि अम्मा लाओ तो भक् तू का देवे लड़कवक बलई हैं उका खवई हैं, तो कि वही लड़कवा जवान हो के बीवी है, जब इनका लतियावे शुरू करी तब मदर समझे कि हजरत तबीज बना दो, लड़कवा तो हमरे लंग निगाह नहीं करत।
ऐ लोगों, लड़कियों से मोहब्बत करो। लेकिन आज लड़की पैदा होती है तो आदमी का माथा सिकुड़ जाता, लड़का पैदा हो धूमधाम, और बिटिया पैदा हो तो लागत है घर में तिलिया मसान के खोपड़ी पर ही सब बौरा बने। अगर कोई पूछ ली कहाँ हो, कोनो बच्चा वाला है कहाँ आवा, बस ऐसे कही है, बिटिया के नामो न लेगा, अरे हाँ बस ऐसे कह दे। अरे बच्चियों से प्यार करो, बच्चियों की दिलों में माँ बाप की मोहब्बत बहुत होती है। इसीलिए सरकार फरमाते हैं कि बच्चियां तुम्हारे लिए रहमते इलाही हैं। हजरत फातिमा जहरा के लड़के थे हसन, बहुत छोटे थे, एक दफ़ा खेलते खालते मस्जिद नबी में पहुंच गए और हुजूर जुमा का खुतबा दे रहे थे। सरकार ने देखा तो हसन को उठाया और बगल में बिठाया। उसके बाद सरकार ने फरमाया, ऐ लोगों, मेरा यह बेटा हसन है ना, अनकरीब ये बड़ा हो करके और मुसलमानों में जब फूट पैदा हो जाएगी, मुसलमानों में दो ग्रुप हो जाएंगे, तो उन दो ग्रुपों में मेरा ये बेटा हसन सुलह करा के दोनों ग्रुपों को एक कर देगा। ये सरकार ने पेशन गोई की थी और हुआ। हुजूर के बाद तकरीबन 30 साल का ज़माना गुजर गया। 30 साल के बाद मुसलमान बट गए, कुछ मुसलमान हजरत मेरे माविया के साथी बन गए, कुछ मुसलमान हजरत अली के साथी बन गए, और मुसलमानों में बहुत बड़ी फूट पैदा हो गई। हजरत मेरे माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक दुश्मन निकल आया। मदीने मुनव्वरा में एक औरत थी यहूदिया, उसका नाम कताम था, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हजरत अली की जानी दुश्मना थी, वो दुश्मन थी, खूबसूरत बहुत थी। तो मदीने का एक रहने वाला अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम उस औरत पर आशिक हो गया और गया निकाह का पैगाम दिया, कहा मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं तुम पर दिलो जान से फिदा हूँ। तो यहूदी औरत ने कहा, तुम मेरा महर नहीं दे सकते, जो मेरा महर देगा मैं उससे निकाह करूँगी। कहा क्या है तुम्हारा महर? तो यहूदिया ने कहा, 3 महर मैं लूँगी। नंबर 1, 10,000 दिरहम लूँगी महर में। दूसरे नंबर पर 1 गुलाम खिदमत के लिए लूँगी। कहा वो सब मेरे पास है। और कहा तीसरे नंबर पर अली का सर काट कर जो मुझे देगा मैं उससे निकाह करूँगी। 10,000 दिरहम लूँगी, 1 गुलाम लूँगी और अली का सर लूँगी। वो दुनिया का कुत्ता इंसान तैयार हो गया। कहा 10,000 दिरहम तो घर में रखा है, ग़ुलाम भी है, अली का सर, तो आज उसका इंतज़ाम करता हूँ। रमज़ान शरीफ का महीना था, 19 रमज़ान थी। तलवार तेज़ करके गया, कूफा के जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में रात में छुप के खड़ा हो गया। जानता था कि फजर की नमाज़ पढ़ने सबसे पहले हजरत अली आते हैं। गया तलवार लेके खड़ा हो गया हजरत अली। रमज़ान का महीना था, सेहरी खा के रोज़ा की नियत करके और कोफा के जामे मस्जिद में नमाज फजर के लिए आने लगे। रास्ते में ऐलान भी करते थे, अस्सलाह, ऐ लोगों नमाज के लिए चलो, नमाज के लिए चलो, ऐलान करते हुए आ रहे थे। और जैसे दरवाजे पे कदम रखा और ये तैयारी बिल्कुल बनाए हुए खड़ा था, जैसे हजरत अली ने दरवाजे पे कदम रखा और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमती का, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, जैसे कदम रखा वैसे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने तलवार मारी हजरत अली पे, तो हजरत अली का कुछ सर भी कटा, कनपट्टी भी कटी, हजरत अली ज़मीन पे तशरीफ़ ले गए। देखा हजरत अली शेरे खुदा ने कि रमज़ान का महीना है और खुदा के घर में मेरी शहादत हो रही है रोज़ी की हालत में। तो हजरत अली ने कहा था, फुस तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं तो दुनिया से कामयाब चला, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। इमाम हसन आए तो हजरत अली को उठाया, घर में लेके गए, दूध का प्याला ला के दिया। हजरत अली ने जब दूध का प्याला देखा
तो हजरत अली का दिल देखो, फरमाते हैं ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ, जिसने मुझे कत्ल किया पहले उसको पिलाओ। कहाँ है वो? इमाम हसन ने कहा, अब्बा मैंने उसको कमरे में बंद कर दिया, आपका बदला लूँगा, इस्लाम में जान के बदले में जान है। हजरत अली शेरे खुदा कहते, नहीं नहीं, उसको पहले दूध का प्याला दो। खुदा जाने किस वक्त से मेरे कत्ल के इंतज़ार में खड़ा रहा हो, भूखा होगा, कमरे में बंद कर दिया है, खौफ व दहशत से उसका गला सूख गया होगा, ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ। ये हजरत अली का सब्र था। दूध का प्याला लेकर के गए, कहा ले हजरत अली ने तुझे दूध दिया है, तो उसने सर हिला दिया, कहा ना मैं नहीं पीऊँगा। तो दूध का प्याला लोग वापस लाए, हजरत अली शेर खुदा को दिया, फिर हजरत अली ने कहा क्यों नहीं पिया, कहा इनकार कर दिया। तब हजरत अली की आंखों में आंसू आए, कहा मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला, मैंने तो सोच लिया था कि मेरे हाथ का दूध का प्याला दिया हुआ अगर मेरा कातिल पी लेगा तो कयामत के दिन में अपना खून माफ़ करके अपने नाना अपने नबी से उसकी शफाअत करा दूंगा, मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और ये कहा, और 21 रमज़ान को हजरत अली शेर खुदा की शहादत हो गई। तो जब वो शहीद हो गए तो उनके तख्त खिलाफत पर हजरत इमाम हसन बैठे, 6 महीना खलीफा रहे, और 6 महीना के बाद खिलाफत हजरत अमीर माविया को दे दिया और उनसे सुलह कर लिया। 1,00,000 दिरहम 1 साल पर तनख्वाह के तौर पर हजरत अमीर माविया इमाम हसन को भेजते थे, साल पूरा होता 1,00,000 दिरहम भेज देते। एक मर्तबा साल पूरा हुआ और वो 1,00,000 रुपया दिरहम नहीं आया तो हजरत इमाम हसन ने कागज़ और कलम लिया, शिकायत लिखने जा रहे थे, फिर नींद आ गई, सो गए तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया हसन इतनी बेसब्री, सब्र करो, सब्र अहले बैत का सेवा है, शिकायत जबान पे लाना न लाना हसन। सरकार ने ख्वाब में समझाया, सुबह हुई तो अमीर माविया रदियल्लाहु अन्हु की तरफ से 1,50,000 दिरहम आए, लिखा था कि 1,00,000 दिरहम तो वजीफा का है और 50,000 दिरहम एक दिन देने में मुझसे देरी हो गई, उसके बदले में 50,000 रुपया अलग से, इतना मानते थे हसन को अहले बैत को। तो हजरत मेरे माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम हसन ने सुलह किया और उम्मत मोहम्मदिया को पैगाम दे दिया कि हसन के मानने वालों, ऐ अहले बैत के मानने वालों, अगर किसी से तुम्हारा मुकदमा हो तो सुलह कर लो, झगड़ा हो तो सुलह कर लो, बोल चाल ना हो तो बोल चाल कर लो, इसलिए कि अहले बैत की ज़िंदगी ने हमको सुलह का पैगाम दिया, सुलाहियत करो, झगड़ा ना करो। लेकिन आज हम लोग बदलने वाले ने तकरीर हम लोग रस्मन सुनी थी, अभी सीतापुर गया था तकरीर करने, तो एक तरफ मर्दों का मजमा में, एक तरफ औरतों का, यही समझा ही रहा था कि मेहरुवन में झगड़ा होएगा, बद्दी मेहरुए झोंटा पकड़ोवर कई लिहन, अब खड़ी दोनों झोंटा पकड़े, सब छोड़ावें पूरा जलसा खराब होएगा, लेकिन झोंटा नहीं छोड़ें, जैसे सड़वे नहीं भिड़ी आ जाते, चाहे जल लाठी डंडा मारो लेकिन अलग नहीं होते, पूरा आज रस्मी तकरीर होती है। ऐ लोगो, जब इमाम हसन ने खिलाफत दे दी, आज एक प्रधान से प्रधानी मांगो तो देगा, एक गांव की प्रधानी, और इमाम हसन को पूरी दुनिया की खिलाफत मिली थी, लेकिन 6 महीना के बाद खिलाफत अमीर माविया को देकर सुलह कर लिया। लोगों ने पूछा क्यों आपने खिलाफत दे दी, तो इमाम हसन फरमाते हैं 6 महीना खलीफा रहा लेकिन इसमें मुझे कोई मिठास नहीं महसूस हुई, कोई मिठास नहीं पाई, इसमें कड़वाहट ही कड़वाहट, तो दे दिया। तो ऐ लोगों, सुलह करो, लड़ाई झगड़ा न करो, अल्लाह वास्ते सब्र करो। हदीसे पाक में है, लैसा शदीदु, हुजूर फरमाते पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरहु, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बे,
जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अहले बैत की जिंदगी से सबक हासिल करो। यही इमाम हसन है, इतने अच्छे थे लेकिन इनके भी दुश्मन थे। एक शख्स ने इमाम हसन को पानी दिया और उसी में जहर मिला दिया, और पानी दिया इमाम हसन ने, जैसे वो जहर का पानी पिया फौरन खून की उल्टी होने लगी और ऐसा तड़पने लगे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। इमाम हुसैन आए, देखा, कहा, भाईजान क्या हुआ आपको, खून की उल्टी हो रही है? हसन ने कहा कि मुझे किसी ने पानी में जहर पिला के दे दिया। इमाम हुसैन ने पूछा, भाईजान किसने आपको जहर पिलाया? कहा, नाम पूछ कर क्या करोगे? कहा, मैं बदला लूँगा। तो हसन ने कहा, हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है, मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, तुम्हें बदला नहीं लेना है, बदला लेने वाला तो मेरा खुदा है। इसलिए लोगों, किसी से झगड़ा हो जाए तो तुम मार का जवाब मार से न दो, गाली का जवाब गाली से न दो, बल्कि अपना मामला खुदा के हवाले कर दो, बदला न लो। अल्लाह के रसूल ने भी यही किया। हदीस पाक में ला जज सैयता बिसैयति, अल्लाह के रसूल कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया। तो जब नबी नहीं दिए तो अहले बैत ने नहीं दिया। इसलिए अगर कोई मारे तो सब्र कर लो, पलट के मारो ना। गाली दे दे तो सुन के सब्र कर लो, पलट के गाली ना दो। अगर कोई तुम्हारा हक छीन लिया है तो जाने दो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह बेहतर बदला लेने वाला है। साहब इकराम की ज़िंदगी से हमें यही सबक मिला। लेकिन आज हम लोग बदलने वाले नहीं, हम लोगों का हाल तो वैसे है।